प्राइड एंड प्रॉपर्टी पे व्यूवर्स सबको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूवर्स इस टाइम हम DHL लाहौर की एक खूबसूरत लोकेशन पे खड़े हुए हैं। आज का जो घर है ये खूबसूरत स्पेसशिप डिजाइन का स्ट्रेट लाइन का खूबसूरत बना हुआ ये घर है। सबसे पहले आप इसका फ्रंट एलिवेशन देखें, बहुत ही खूबसूरत आई कैचिंग अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन का बना हुआ आपको ये एक नल का घर मिल जाता है, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ रुपए है। प्राइस लिटिल बिट निगोशिएबल है। इस घर का कलर कॉम्बिनेशन आपके दिल को छू लेगा। इस जैसा कलर कॉम्बिनेशन जो इस घर के अंदर यूज किए गए हैं आज से पहले मैंने किसी घर में भी आपने हमारी वीडियो में नहीं देखा होगा। सबसे पहले अगेन आपको इसका फ्रंट एलिवेशन दिखाना चाहता हूँ। स्ट्रेट लाइन का बना हुआ खूबसूरत आपको इसका फ्रंट एलिवेशन मिल जाता है, जिसके अंदर देख सकते हैं 100% आपको टाइल का वर्क मिल जाता है। 11 करोड़ रुपये जिस घर की प्राइस है। तो चलते हैं इस घर का टूर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका खूबसूरत आउटर कोर्ट यार्ड देख सकते हैं, जिसके अंदर देख सकते हैं लश किस्म का आपको ग्रीन ग्रास मिल जाता है। खूबसूरत आप इसके प्लांट देख सकते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो आपको पाम ट्रीज भी लगे हुए मिल जाते हैं। रोड की बात करें तो देख सकते हैं 40 फीट का कारपेटेड रोड मिल जाता है। DHL लाहौर की प्राइम लोकेशन पे इस घर को बनाया गया। अगेन इसके राइट हैंड पे भी देखते हैं आपको 40 फीट का कारपेटेड रोड मिल जाता है। 11 करोड़ रुपये इस घर की प्राइस है। इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप अपना घर बना रहे हैं या इसे बाय करना चाहते हैं तो भाई ये वीडियो खास आपके लिए। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जिन हजरात के पास अपने जाती घर नहीं है, अल्लाह पाक इसके हलाल से सबको अपनी ज़िंदगी में इसी तरह के खूबसूरत घर अता फरमाए। आमीन बोलिएगा, ना जाने कब किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो चलते हैं घर का टूर स्टार्ट करते हैं। ये इसका रैंप दे सकते हैं, जिसमें दे सकते हैं आपको खूबसूरत टाइल का वर्क मिलता है। अगर इसमें गैरेज की कैपेसिटी की बात करें तो 5 से 6 गाड़ियां भाई आप इजीली इसके अंदर पार्क कर सकते हैं। तो चलते हैं घर के अंदर। ये इसका मेन गेट दे सकते हैं। CCTV कैमराज आपको इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। अगेन मैं आपको इसका फ्रंट एलिवेशन दिखाना चाहता हूँ। ऐसा फ्रंट एलिवेशन भाई आपका दिल बार बार करेगा इसका फ्रंट एलिवेशन देखने को। तो चलते हैं टूर को स्टार्ट करते हैं। ये हम इसके गैराज में आ चुके हैं, जहाँ 3 से 4 गाड़ियाँ आप इजीली पार्क कर सकते हैं, 2 गाड़ियाँ बाहर पार्क कर सकते हैं। तो टोटल आप 6 गाड़ियाँ यहाँ आपकी गैरेज की आपको स्पेस मिल जाती है। बाहर भी आपको आउटर कोर्ट यार्ड मिलता है, तो घर के अंदर भी दे सकते हैं। खूबसूरत आपको इसका इनर कोर्ट यार्ड मिल जाता है, तो यहाँ पर भी बैठ के वेदर को इन्जॉय कर सकते हैं। बच्चे आपके यहाँ पर खेल सकते हैं, प्ले एरिया आप इसको बना सकते हैं। कैमरामैन आप इसको दोबारा फ्रंट एलिवेशन दिखाइएगा। ये इसका फ्रंट एलिवेशन दे सकते हैं और ये इसकी ग्रैंड एंट्रेंस है, खींचेगा खूबसूरत, जिसके अंदर मार्बल यूज़ किया गया है। यहाँ पे दे सकते हैं अगेन फॉल सीलिंग के अंदर यहाँ पे वुड वर्क किया गया है, COB लाइट कवर किया गया है। पाम आपको यहाँ पे खूबसूरत एक आपको प्लांट मिलता है। ये इसका आप मेन डोर दे सकते हैं। अच्छा, इस घर में अगर वुड वर्क की बात करें तो पूरे घर के अंदर सॉलिड वुड वर्क किया गया है। तो चलते हैं जल्दी से इस खूबसूरत घर का आपको टूर करवाता हूँ। ये हम इसकी डबल हाइटेड में आ चुके हैं। सबसे पहले आप इसकी ग्रैंड एंट्रेंस के साथ इसकी डबल हाइटेड लॉबी चेक कीजिएगा, जिसके अंदर देख सकते हैं खूबसूरत आपको शेडर मिलता है। लेफ्ट हैंड पे देखते हैं तो खूबसूरत स्टेयर केस, जिसके अंदर आपको इम्पोर्टेड मार्बल का वर्क मिलता है। स्टेयर केस में देख सकते हैं आपको टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है और यहाँ पर आपको इसका डाइनिंग मिलता है। लेफ्ट हैंड पर देखते हैं तो यहाँ पर मिलता है आपको इसका खूबसूरत ड्राइंग रूम। ये भाई इसका ड्राइंग रूम है, जिसके अंदर वुडन फ्लोर यूज़ की गई है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको हैंडमेड वुडन फ्लोर मिलती है। बिल्कुल इसकी सामने देखते हैं तो आपको इसकी फायर प्लेस मिलती है खूबसूरत टाइल वर्क के साथ। और यहाँ पे देखते हैं तो आपको शेंडलर मिलता है। फॉल सीलिंग डिज़ाइन दिखिएगा और ख़ास जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, इसकी वॉल्स के ऊपर जो काम किया गया है वो इम्पोर्टेड नोवा पेंट यूज़ किया गया है। पूरे घर के अंदर कोई भी आपको वॉल पेपर नहीं मिलता, इवन के फॉल सीलिंग के अंदर भी आपको इसका नोवा पेंट का वर्क मिलता है। साथ COB लाइट यूज़ की गई है और यहाँ पर देखते हैं तो बड़े साइज़ की आपको विंडो मिल जाती है, जो कि ओपन है। आप इसको अगर बाहर से फ्रेश एयर लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हैं। 11 करोड़ रुपए प्राइस है। प्राइस अगर इस घर को देखा जाए तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। तो मेरे राइट हैंड पे देखते हैं, एक आपको छोटा सा ऑर्डर रूम देखने को मिल जाता है। और जैसे ही थोड़ा सा आप आगे आते हैं, ये डेवलपर ने स्पेस दी है आपको डाइनिंग के लिए। इसका डाइनिंग एरिया है, जिसके ऊपर देख सकते हैं आपको डिजाइनिंग में एक इसका शैंडलियर मिल जाता है। वॉल्स पे देखते हैं तो ट्रेवर्टीन मार्बल कवर किया गया है, साथ गोल्ड स्ट्रिप यूज़ की गई है। साथ आपको देख सकते हैं हायर के DC इन्वर्टर पूरे घर में आपको इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। बिल्कुल राइट हैंड पे देखते हैं तो स्टेयर जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट कर रही है। डाइनिंग के साथ ही आप इसके TV लॉन्च में भी जा सकते हैं। ये इसके खूबसूरत TV लॉन्च में आ चुके हैं। सामने आते हैं तो आपको LED इंस्टॉल्ड मिलती है। CCTV कैमराज आप डिस्प्ले दे सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं तो आपको फायर प्लेस मिलती है। और मेरे राइट हैंड पे देखते हैं तो आपको बड़े साइज की अगेन विंडो मिल जाती है। शेंडलियर दिखिएगा, अगेन स्ट्रेट लाइन की आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। वॉल्स पे अगेन नोवा पेंट का वर्क किया गया है
और इसके बिल्कुल सामने देखते हैं तो आपको इसका बड़े साइज का प्रैक्टिकल किचन मिल जाता है। ये इसका खूबसूरत आप किचन दे सकते हैं। अगेन वुडवर्क की बात करें तो दे सकते हैं, इम्पोर्टेड शीट के साथ पूरे किचन को डिज़ाइन किया गया है। फोटाइल की आपको यहाँ पे हुड मिल जाता है, स्टोव दे सकते हैं। टॉप देखते हैं तो कुरान यूज़ किया गया है, और यहाँ पे देखते हैं तो आपको सिंक एरिया मिल जाता है। और इस हिस्से में दे सकते हैं ग्लास के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पेंट्री एरिया जिसके अंदर आपको प्रोफाइल लाइट यूज़ मिल जाती है। डबल डोर फ्रिज आपको हायर की मिलती है, ओवन, बेकिंग ओवन, ये सारी अप्लाइंसेस आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिल जाती है। यहाँ पे देखते हैं अगेन आपको स्टोरेज के लिए डेवलपर ने काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पे स्पेस दे दी है। और अगेन यहाँ पे भी आपको देखते हैं तो आपको लैडर बॉक्स देखने को मिल जाता है। मतलब कि जो एक किचन में आपको चीज़ चाहिए होती है वो इस किचन में आपको मिल जाती है। तो ये इसका सर्विस किचन दे सकते हैं। अगर आप बड़ा किचन यूज़ नहीं करना चाहते हैं घर के मेम्बर का में, तो आप छोटा किचन यूज़ कर सकते हैं। मुलाजमों के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, दे सकते हैं। मुकम्मल तौर पर आपको यहाँ पर इसका किचन मिलता है जिसके अंदर दे सकते हैं हाई ग्लोस यूवी शीट यूज़ की गई है। यहाँ पे देखते हैं तो इसका डोर है तो गली से भी एक्सेस इस किचन के लिए आपको मिल जाती है। ये इसका किचन था, ये इसका टीवी लॉन्ज है, ड्राइंग रूम आपने देख लिया, डाइनिंग देख लिया। तो अब आपको इसके फर्स्ट बेडरूम का विजिट करवाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं तो आपको सामने ब्लैक आपको इसका ग्लास मिल जाता है। लेफ्ट हैंड पे आते हैं, ये इसका फर्स्ट मास्टर बेडरूम है। बेडवॉल देखिएगा, अगेन आपको यहाँ पे इसका नोवा पेंट मिल जाता है। हैंगिंग आपको लाइट्स मिल जाती है। अक्सर लोगों के कंसर्न होते हैं यार वॉलपेपर लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि वहाँ की नमी को छुपाया जा सके, लेकिन इस घर में दे सकते हैं कहीं भी आपको वॉलपेपर नहीं मिलता। इम्पोर्टेड आपको यहाँ पे इसका नोवा पेंट मिलता है। यहाँ पे दे सकते हैं अगेन आपको वुडन फ्लोर मिलती है, और ये इसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन आप दे सकते हैं। यहाँ पे भी आपको हाई का डीसी इन्वर्टर इंस्टॉल्ड मिल जाता है, और ये इसका आप अटैच बाथरूम दे सकते हैं। आपको तकरीबन 10 फुट की हाइट पे आपको इसका डोर की हाइट मिलती है। पूरे घर में सॉलिड वुड वर्क किया गया है। कलर आप चेक करें इस डोर्स का, कितना यूनिक कलर आपको यहाँ पे मिलता है। तो मेरे लेफ्ट हैंड पे अगेन वैनिटी मिलेगी। यहाँ पे देखते हैं जुगुजी टब आपको बड़ा मिल जाता है। अगर आप जुगुजी नहाना आपको शौक है तो आपको जुगुजी टब को इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं, नहाते तो सारे हैं लेकिन इस जैसा शशका भी तो होना चाहिए ना। ये इसका वॉल हैंगिंग कमोड आप दे सकते हैं। अगेन हाइटेड आपको इसका टाइल का वर्क मिलता है, और यहाँ पे भी आपको नहाने के लिए इसका शावर एरिया मिलता है। ये इसका खूबसूरत आप रेन शावर दे सकते हैं। इसका शावर कैबिन है ये, तो इसे क्लोज करके आप अपना काम शाम कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है लेकिन घर बड़ा मज़ेदार है तो ज़रूर देखिएगा। ये इसकी बेड वॉल देखिएगा जिसके अंदर दे सकते हैं आपको वुडन पैनल यूज़ किया गया है, साथ ग्रे इसके ऊपर कलर यूज़ किया गया है, साथ आपको हैंगिंग लाइट मिल जाती है। अगेन लाइट कलर के साथ आपको इसका वुडन फ्लोर मिलती है। यहाँ पे आपको बड़े साइज़ की विंडो मिल जाती है। घर में कलर कम्बिनेशन और वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। तो ये सर देख सकते हैं आपको 3D यहाँ पे इम्पोर्टेड टाइल का वर्क मिलता है। बड़े साइज़ की आपको यहाँ पे वैनिटी देखने को मिलती है। वॉल हैंगिंग कमोड दे सकते हैं। अगेन डेवलपर ने यहाँ पे आपको इसका रेन शावर दे दिया है। ये इसका खूबसूरत आप रेन शावर दे सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं तो आपको वॉशरूम के अंदर ही इसकी वार्डरोब्स भी, क्लोजेट वार्डरोब आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके जो दरवाजे हैं वो ग्लास के साथ डिज़ाइन किए गए हैं, साथ प्रोफाइल हैंडल यूज़ किया गया। ये इसका ग्राउंड फ्लोर था। अब आपको जल्दी से इसके फर्स्ट फ्लोर पर लेके चलते हैं। तो चले अब आपको व्यूअर्स ग्राउंड फ्लोर के बाद इसका फर्स्ट फ्लोर का विजिट करवाता हूँ। दोबारा एक दफ़ा दिखाइएगा कैमरा में इसका खूबसूरत डबल हाइड्रेट में लगा हुआ इसका शानदार शैंडलियर। और अगेन स्टेयर्स के जा सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ट्रैवर्टीन मार्बल का वर्क मिलता है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा खड़े होकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेवलपर ने ऊपर वाले पोर्शन को 2 पोर्शन में इसको डिवाइड किया है। राइट हैंड पे आते हैं तो आपको देख सकते हैं इसका खूबसूरत पैशो एरिया मिल जाता है। यहाँ वेंटिलेशन एक आपको विंडो मिलती है, और मेरे लेफ्ट हैंड पे देखते हैं तो आपको इसका फर्स्ट मास्टर बेडरूम मिल जाता है। तो चलते हैं इसके फर्स्ट मास्टर बेडरूम के अंदर। तो ये हम इसके फर्स्ट मास्टर बेडरूम के अंदर आ चुके हैं। ये इसका मास्टर बेडरूम दे सकते हैं। इसकी बेड वॉल देखिएगा, अगेन यहाँ पे खूबसूरत आपको टाइल का वर्क मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं वुडन पैनल यूज़ किया गया है जिसके अंदर लाइट कलर दिया गया है। फॉल सीलिंग डिज़ाइन देखिएगा, और यहाँ पे आपको बड़े साइज की विंडो देखने को मिल जाती है। तो चलते हैं इसके अटैच बाथरूम में। तो ये सर हम इसके खूबसूरत अटैच बाथरूम के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले बड़े साइज की आपको वैनिटी देखने को मिलती है, और लेफ्ट हैंड पे देखते हैं तो आप इसकी अनवर्टेड वार्डरोब दे सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं तो आपको वॉल हैंगिंग इसका
कमोर देखने को मिलता है, यहाँ पे खूबसूरत टाइल का वर्क देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे स्काईलाइट के लिए आपको यहाँ पे सेंटर में इसका ग्लास मिल जाता है, और यहाँ पे आते हैं तो आपको इसका मिल जाता है रेन शॉवर, लैदर से आपको इसका खूबसूरत रेन शॉवर मिल जाता है। तो टेरेस पे जाने के लिए आपको एक्सेस यहाँ से भी मिल जाती है, तो आप टेरेस को भी इंजॉय कर सकते हैं। ये इसका सामने रोड व्यू वाला बेडरूम था, तो अब आपको लेके चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। ऊपर वाले फ्लोर का प्लान थोड़े दूसरे घरों से बिल्कुल डिफरेंट है, तो सामने एक आपको बेडरूम मिल जाता है, एक बेडरूम डेवलपर ने आपको सामने दे दिया है। तो बेसिकली आपको दो बेडरूम्स रोड व्यू में मिलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉक थ्रू आपको मिलती है। यहाँ पे आते हैं तो ये इसका सेकंड बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर का। अगेन बेड वॉल में देख सकते हैं आपको नोवा पेंट का वर्क मिलता है। कलर कॉम्बिनेशन देखिएगा, पूरे घर के अंदर माइंड ब्लोइंग कलर कॉम्बिनेशन, कभी कहीं भी ज़्यादा आपको ओवरडू कलर कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। यहाँ पे देखते हैं तो आपको इसकी विंडो मिल जाती है, वुडन फ्लोर, और ये इसका अटैच बाथरूम। ये चेक कीजिएगा, खूबसूरत और डिसेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे भी आपको टाइल का वर्क मिलता है। बड़े साइज का लुकिंग मिरर, वैनिटी देखेंगे तो यहाँ पे मिलती है आपको क्लोजेट वार्डरोब, और यहाँ पे देखते हैं तो आपको इसका रेन शावर देखने को मिलता है, और यहाँ पे मिलता है आपको इसका वॉल हैंगिंग कमोड। ये इसका सेकेंड बेडरूम था, अब आपको इसके लाउंज में लेके चलते हैं। अगेन इसी वॉक थ्रो को यूज़ करेंगे हम, तो हम इसके फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज में आ जाएंगे। ये इसका खूबसूरत फर्स्ट फ्लोर का टीवी लाउंज देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइज़ का आपको टीवी लाउंज मिलता है, बड़े साइज़ की आपको टाइल मिल जाती है। अगेन वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे भी पैश एरिया मिल जाता है, और यहाँ पे देखते हैं तो इसका खूबसूरत बड़े साइज़ का आपको टेरेस मिलता है, सामने आपको फायर प्लेस मिल जाती है, तो यहाँ पे बैठ के आप फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं लाउंज के साथ ही, यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रॉपर आपको किचन मिल जाता है। अगर दो फैमिलीज हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है, दो डबल यूनिट आपको ये हाउस मिल जाता है। तो चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम में। टोटल आपको 5 बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिलती है, 11 करोड़ रुपये इस घर की प्राइस है, प्राइस निगोशिएबल है। DHA लाहौर की प्राइम लोकेशन पे इस घर को बनाया गया है। अगेन इसकी आप बेड वॉल चेक कीजिएगा, और डिज़ाइनिंग में आपकी इसकी बेड वॉल देखने को मिलती है। यहाँ पे भी देखते हैं डेवलपर ने आपको पूरा रूम के अंदर आपको नोवा पेंट मिलता है, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको टेरेस की स्पेस मिल जाती है। तो रूम में अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप बाहर टेरेस में भी फ्रेश एयर ले सकते हैं, अगर उधर नहीं जाना चाहते तो बड़े टेरेस पे आप आ सकते हैं, एक्सेस दोनों की तरफ आपको मिल जाती है। तो ये इसका अटैच बाथरूम दे सकते हैं, बड़े साइज का आपको लुकिंग मिरर मिलता है। लेफ्ट हैंड पे देखते हैं तो आपको फुल हाइटेड इसकी क्लोजेट वार्डरोब देखने को मिलती है, और यहाँ पे देखते हैं तो वॉल हैंगिंग कमोड, और ये इसका इम्पोर्टेड आपको बाथ टेक का बना हुआ जगुजी टब देखने को मिल जाता है। अगेन यहाँ पे मिलता है आपको इसका रेन शावर, अक्सर लोग पसंद करते हैं रेन शावर कि घर में रेन शावर होना चाहिए और शावर कैबन होना चाहिए, तो आपको इस पूरे घर में आपको शावर कैबन रेन शावर देखने को मिल जाता है। 11 करोड़ रुपये इस घर की प्राइस है, प्राइस लिटिल भी निगोशिएबल है। DHA लाहौर इस घर की लोकेशन है, तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जिन हजरात के पास अपने ज़ाती घर नहीं है, अल्लाह पाक रिज़्क़ के हलाल से सबको अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती घर अता फरमाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ इसी तरह की खूबसूरत एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।